हेलो दोस्तों गुड इवनिंग टू ऑल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यास चैनल बिहार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे मैं दीपांक आप सभी का जो है स्वागत करता हूँ देखिए बहुत बहुत स्वागत है सभी लोग जल्दी से आ जाइए सभी को मेरा राम राम राधे राधे महादेव सभी को है ना तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे और जुड़ने के साथ एक काम करिएगा कि जुड़ने के साथ साथ कॉपी पेन के साथ आएगा क्योंकि यह सेशन जो है साइंस का होता है साइंस के सेशन में इस बात को याद रखना है कि एक एक सवाल जो आपको पढ़ाया जाएगा एक एक क्वेश्चन को तड़ातड़ जवाब देना है एकदम तड़तड़ाते हुए जो है एकदम कमेंट बॉक्स जो है भर जाना चाहिए इतना कि मतलब समझ लो कि गेर का चौथा गेयर पहले ही में होना चाहिए ठीक है चलिए हाँ हेयर बैंड मिल गया हमारा आज हम लगा भी लिए हैं चलिए स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से बेहतरीन लेवल पे अब फटाफट आप सभी लोग आइए हुंकार है जीवन का ये बात याद रखेंगे सभी लोग ठीक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और ये आपका विनायक बैच हो जाता है जो कि आपका बिहार से सेंट्रल लेवल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा चलिए क्वेश्चन देखिए जवाब आराम से देना है बिल्कुल बिना घबराए हुए आराम से सवाल का जवाब देते रहना है है ना ज़्यादा जो है चिल्ल मतलब होता है कि नहीं हल्ला गुल्ला किए जा रहे हो तो हल्ला गुल्ला नहीं करना है केवल जो है बस बढ़िया सा पढ़ाई करना है ठीक है चलिए

यूनानी द क्वेश्चन देखना बड़ा बढ़िया सा पूछा है कि यूनानी विचारक अरस्तु ने पहली बार किस आधार पर पशुओं को वर्गीकृत किया था यानी पशुओं को न वर्गीकृत किया गया तो वो किस आधार पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया एनिमल्स का तो यहाँ पे आपका आवास भी दे रखा है यानी आपका आकार भी दे रखा है मतलब स्थान के आधार पर आकार के आधार पर गति के आधार पे या फिर भोजन के आधार पे तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जिसे कहते हैं उनके स्थान के आधार पे कोई ठंड में नहीं रह पाता था जानवर कोई गर्मी में नहीं रह पाता जैसे तुम लोग होते हो गर्मी में एसी सी चाहते वैसा ही इनका भी सीन था ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे अगला सवाल देखिए कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है यानी विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम ऑब्जर्वेशन क्यों भैया सही है ना नहीं पूछ रहे हैं एक्चुअली क्या है ना कि साइंस का जो है वो बता रहे थे कि सर साइंस बहुत एक लोग बैठे हुए हैं तो कहते हैं सर साइंस आता हमने वही पूछा कि भैया सही है ना अब पच्चीस क्वेश्चन फंसेगा हाँ तो वही कहते हैं ठीक है चलो भैया राजू इधर देखो जरा सा हाँ देखो यहाँ पर विटामिन ई e होगा विटामिन ए विटामिन डी या विटामिन सी होना चाहिए अब इसको देखो हमारा विद्यार्थी कितना चालाक इंसान बहुत चालाक मानता है अपने आप में हम थोड़ा सा उसकी चालाकी को आजमाते हैं देखते हैं कि बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा देखो कैसे विटामिन ई e की हमने बात की उसने कहा जी गुरु जी हम बताइए क्या होना चाहिए तो विटामिन ई e का एक बात बताओ बाबू कि ये रासायनिक नाम तुमसे पूछा है ना तो रासायनिक नाम तुमसे पूछ लिया अब रासायनिक नाम में तुम क्या लिखोगे ये पूछा जाता है तो याद रखना कि रासायनिक नाम जब तुमसे पूछ लिया जाता है तो वहां पर टोको फिराल को लिख देना यह क्या होता क्या है यह इसका नाम है विटामिन ई e को यह नाम से भी बुला सकते हो टोको फिराल उसे बोला जाता है टोको फिराल और इसकी कमी से अगर तुमसे कहा जाए तो इनफर्टिलिटी होता है यानी बांझपन जिसे कहा जाता है बांझपन हो जाता है इसकी कमी से बात समझ में आया तो सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का जवाब सी होगा विटामिन डी होगा ठीक है विटामिन डी होगा सभी को नमस्कार खुश रहिए बहुत अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करिए बेहिचक तरीके से एकदम लग जाइए सिलेक्शन की जिम्मेदारी तो आपके सामने मैं खड़ा हूं ना क्यों टेंशन ले रहे हो बिल्कुल बेहिचक तरीके से लगो निश्चिंत तरीके से तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे विटामिन डी हो जाता है इस बात को याद रखना अब देखो डी विटामिन बोला है ना और ई हम तुमसे पूछ रहे हैं तो ई का मतलब तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि जब तुम सुंदरता पाना चाहते हो कि लोग हमें सुंदर कहें लोग हमें सुशील कहें और लोग हमें क्या क्या कहें शाहरुख खान पता नहीं क्या क्या बोले तो उसके लिए तुम कहते हो कि सर इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है क्या कहा जाता है ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है जैसे मान लो कि लड़कियां होती हैं तो कहते हैं कि हम कैटरीना कैफ लग रहे हैं और लड़का होता है तो कहता है हम शाहरुख खान लग रहे हैं तो ब्यूटी विटामिन का वजह है ठीक है विटामिन डी क्या होता है जैसे किसी ने बोला हम जानी लीवर लग रहे हैं मतलब मैं अपने आप को बोल देता हूँ तो यह सन विटामिन के कारण हो जाता है ठीक है तो विटामिन डी हो गया यहाँ पर सन विटामिन जानी लीवर की बात कर ली हमने क्लियर चलिए आगे चलेंगे अगला सवाल देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा तिलचट्टा पूछा है ये समझो कि तिलचट्टा अगर पेपर में आ रहा है तो तिलचट्टा तुम्हारा पेपर निकलवाने की हिम्मत रखता है समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन इस तिलचट्टे की वजह से होगा यह कारण है तो तिलचट्टा किस जाति से संबंधित है कॉकरोच बिलोंग्स टू विच स्पेसीज अब जाति पूछा है यानी जाति और प्रजाति की बात कर रहा है अब ये मत कहना कि सर यहाँ जनरल नहीं दिया ओ नहीं दिया एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस फॉर्म में नहीं दिया है यह क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सुनो यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा भी दे रखा है आर्थ्रोपोडा प्लेटी एलिमेंथिस या फिर मुलस्का देगा अब जल्दी से एक बार जवाब देंगे तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा देखिए तिलचट्टे की बात करें तो आर्थ्रोपोडा ऑप्शन नंबर बी बताओगे क्या बताओगे आर्थ्रोपोडा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बता दोगे बात समझ में आया सभी को क्लियर है और याद रखना कि तिलचट्टे के साथ साथ घेंगा भी तुम्हारा जो है सिलेक्शन दिलाएगा घेंगा को भी याद रखना घेंगा जो होता है आपका है ना घेंगा जिसे कहते हो यह घेंगा होता है ऑक्टोपस का नाम सुना होगा अगर सुना होगा तो एक होता है शुत्रमुर्ग जिसे कहते हो ऑक्टोपस जिसे बोल देते हो है ना समझना शुत्र मुर्ग कह रहे हैं डेविल फिश जिसे बोला जाता है आक्टोपस की बात हो रही है ब्रैकेट में डेविल फिश लिख देना ठीक है तो इस तरीके से वो भी आपका आपके आर्थ्रोपोडा में आता है ठीक समझ में आ रहा है नहीं 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 अरे ये तिलचट्टा नहीं अरे आर्थो पोडा कह रहे हैं में आता है फाइलम मोलस्का में ये आपका घेंगा और आपका ऑक्टोपस आता है जिसे डेविल फिश कहते हो इसी प्रकार मोलस्का में कटल फिश भी आता है एक मछली आती है कटल फिश की ये भी आप सब याद रखना ठीक है आर्थोपोडा तो अलग हो गया वहां पर आर्थोपोडा अलग हो जाता है जैसे तुम्हारा जो है उड़ने वाले जब ज्यादातर जो होते हैं उसमें ही आ जाते हैं ठीक है घर वाली जो मक्खी होती है किसमें आएगी इसी में आ जाती है क्लियर है बहुत बढ़िया स्टार फीस किसमें आता है सर अगर यह पेपर में आया मान लो कि गुरु जी से पूछ लिया गया कि बताइए तो कौन सा होता है, है। फाइलमो डरमेटा जब बात करेंगे तो यह स्टार फीस के लिए जिम्मेदार होता है ठीक है तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी पे लगा देना बिना सोचे समझे बी होना चाहिए अगला देखो एक फूल के निषेचन में निषेचित केंद्रीय सेल क्या होता है जैसे कि तुम ये जानो कि जब फूल की बात हो रही है फ्लावर की बात हो रही है ठीक है जैसे फूल की बात हो रही है फ्लावर की बात हो रही है तो फूल में देवी देखते हो कि एक एक ही डाली से दो तीन फूल निकल आती है जैसे तुम लोग का होता क्या है है ना कि तुम सीधा यही पूछते हो कि जैसे जब चुनाव आधा वो क्या कहते हैं वोटर वोटर कार्ड बनता है तो जब वो आरक्षण के लिए आता है तो ये तो पूछता है कि बताइए कि आपके घर में आपके कितने बच्चे तो तुम बोलते हो दो बच्चे हैं तीन बेटियां हैं या दो बेटियां हैं तीन बेटे बेटे हैं ऐसे तुम लोग कहीं ना कहीं जवाब बताते देखे होगे पापा मम्मी को तो वही ये कहता है कि इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ फूल है यार देखो हम कह रहे थे तिलचट्टा पीछा नहीं छोड़ रहा है तिलचट्टा पीछा नहीं छोड़ रहा है ये पीछा नहीं छोड़ रहा है बस इसका कारण पता नहीं क्या है अगला सवाल का जवाब दो स्पर्म होगा, की की बात बात कर कर रहा 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 है, हो। आपका जो है, 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 है है, आपका आपका हो जाता ठीक मतलब जो भी पूछ रहा है। तो सवाल का जवाब यहां पर एंडोस्पर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा एंडोस्पर्म होता है ठीक है बात समझ में आई सभी को एक एंड होता है चलिए अगला सवाल देखिएगा जरा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेगा ठीक इनमें से कौन सा शाकाहारी और मांसाहारी की छोटी आंतों की लंबाई से सही संबंध है अब इसको पकड़ने के लिए ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा पहले देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट करेक्ट रिलेशन ऑफ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हरबी वोरस होता है

शाकाहारी का छोटी या छोटा होता है या मांसाहारी का है ना इस तरीके से पूछा है तो याद रखना कि सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि शाकाहारी का स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है मांसाहारी की तुलना में होता है मांसाहारी की तुलना में ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी पे चले जाना किस पे चले जाओगे वेजिटेरियन वाला ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन लेके घूमता है इसलिए जल्दी पचा लेता है हल्का सा पालक का सब्जी खाएगा और यहाँ पे हल्का सा जो है अगर देखो तो पूरा मुर्गा का जो है तंदूरी का जो है होता है ना लोग कहते हैं कि टंगड़ी दीजिएगा टंगली लेग लेग पीस हम खाते हैं तो लेग पीस नोच रहे हैं वो पालक खा रहा है ऐसे ऐसे और ऐसे में बहुत फर्क हो जाता है ठीक है चलिए आगे देखिए अपने दांत का पूरा जान लगा देता है नॉनवेज के लिए अगला देखिए अगला सवाल मेंढक छिपकली पक्षी और मानव यह अंग के किस अंगों का उदाहरण है जरा इसका जवाब दीजिएगा आप सभी लोग है ना इसका जवाब दीजिएगा कि द आर्गन ऑफ फ्रॉग लिजार्ड ऑफ ब्रड बर्ड और ह्यूमन एंड एग्जाम्पल आप क्या यह आइडेंटिकल होते हैं मतलब एक तरीके से देखा जाए क्या समरूप में माने जाते हैं क्या यह सब विजातीय है मतलब बहुत अलग अलग होते हैं या अनुरूप मतलब एक तरीके से देखो तो ये उल्टे मतलब एक इन लोग का काम एक दूसरे के विपरीत होता है या आपका होमोलागस होमोलागस का मतलब हो जाता है कि यह सेम मतलब एक जैसे हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या जवाब दोगे आप एक या ए बी सी डी में से एक हो जाएगा उससे आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी यानी होमोलागस बोल सकते हो क्या होते हैं एक जैसे होते हैं क्या होते हैं एक जैसे होते हैं डी होगा बी नहीं होगा देखो आपस में फिर वही मेहंदी वाली बात करने लग गए ना ठीक है सर आप नॉनवेज वाले हैं हम तो भैया देखो दोनों हम इसमें खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं करते हम वेज वाले भी हैं और हम नॉनवेज वाले भी हैं तो हम दोनों में कंजूसी नहीं करते हैं ठीक है अगला सवाल देखिएगा पेट्रोल और अल्कोहल की बात करेंगे तो पेट्रोल और अल्कोहल को जो मिलाकर ईंधन की बात करें तो ईंधन के रूप में उपयोग करने से कौन सा पदार्थ बनता है अब इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर समझो कि सबस्टेंस इज विद्ड बाई मिक्सिंग द पेट्रोल अल्कोहल यूजिंग इट फ्यूल यानी कि हमने पेट्रोल को कहा मिलाया भे? पेट्रोल अल्कोहल और आपका जो है मिलाकर यूजिंग इट अ फ्यूल उसको ईंधन के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं यानी उसका यूज कर रहे हैं तो यहां पर क्या कौन सा गैस पूछ रहा है क्या ऑक्सीजन होगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड होगा या केवल पानी की बात बनेगी या कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों हो जाता है इस क्वेश्चन को ना जरा सा एक पेल, एक पैनल पे ले लेके ले ले चलो लेके चलो जरा सा संभालना तुम्हारा काम है जवाब हमारा काम है नहीं जवाब दे अब देखो फिर वही बात कहने लगते हो कि नहीं सर हम हैं सुपरमैन अब फिर कहोगे हम हैं सलमान का फैन तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा सलमान का फैन सुपरमैन बाद में पहले क्योंकि हम साइंस के फैन हैं साइंस के फैन हैं साइंस के फैन के लिए ऑप्शन नंबर डी पे जाना पड़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और पानी भी होगा देखो

कि धुआं और कोहरे से बना होता है अच्छा देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि धुआं और कोहरा मतलब धुआं अलग है और कोहरा अलग है इज मेड ऑफ स्मॉग एंड फ़ॉग अब वो फॉग वाला जमाना तो नहीं रहा वैसे कि क्या चल रहा है तो तुम सीधा बोलते थे कि फॉग चल रहा आजकल पापा से भी तुम लोग ऐसे ही बोल देते हो हैं ऐसा मतलब लगता है कि जैसे मान लो आजकल जैसे मम्मी बोलती है क्या चल रहा है तुम्हारा तो तुमने बोला कि नहीं नहीं फॉग चल रहा है फॉग नहीं चल रहा होता है वो वो कहती है पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तो ये बताइए यह क्या हो जाएगा धुआँ और यहाँ पे बोला गया है आपका कोहरा बताइए जल्दी से भाई हमारे हिसाब से देखिए अगर हम हम, हम, हम आपके जगह होते तो हमें यह लग रहा है कि कोहरा हो जाता है मतलब कोहरे से बनता है तो कोहरा होता है ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे कोहरा जो कि ठंड में बहुत ज़्यादा पड़ती है जिसमें जो है सामने कौन खड़ा है पता नहीं चलता जाके लड़ाई हो जाती है ऐसे धक्के से ऐसे धक्के से जो है कंधे पे लग गया चोट लग जाती आपस में जो है दिखता नहीं है ना तो यह वाला कोहरा हो रहा है ओजोन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन की बात करेगा बताइए अच्छा ओजोन का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है चलिए जल्दी से बताइए जरा सा रासायनिक सूत्र क्या होता है ओजोन की बात करेंगे अगर ओजोन की बात करें तो देखो ओजोन में तो बहुत सारी बातें होती हैं जैसे हमने कहा कि ओजोन की गैस की बात कर ली जाए तो तुमने कहा कि गुरु जी एक बात बताओ ओजोन की गैस कैसे बता ओजोन में बहुत सारी गैसें शामिल होती हैं जैसे तुमने कहा मेथेन शामिल होता है हम कहेंगे बिल्कुल होता है तुम कहे सर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो हम कहेंगे बिल्कुल होता है तो ये सब जो गैसे हैं ये सब ओजोन वाली गैसे होती हैं और जैसे अगर हमने सवाल पढ़ा कि सर ओजोन डे भी एक मनाया जाता है वो मनाया जाता है सोलह सितंबर को है पहली बार मनाया गया था उन्नीस में उन्नीस में पहली बार मनाया गया सवाल का जवाब क्या हो जाएगा तो याद रखना सवाल का जवाब यहां मतलब पूछा गया तो सूत्र में ओ बता दोगे ठीक है डी नहीं होगा सी होगा या अमोनिया होता है इसे अमोनिया कहते हैं एनएस को अमोनिया कहा जाता है ठीक है अमोनिया कहा जाता है चलिए अगला सवाल देखिएगा अगला सवाल देखिएगा अब देखिए थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होना चाहिए था अब इस पर थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होना चाहिए था इस बात को पकड़ना यह हल्ला गुल्ला वाला सवाल है कुछ भी नहीं है तुम्हारे गुरु जी यहाँ सामने खड़े हैं ना पेन नहीं उठाऊंगा मैं मैं एक बार भी पेन नहीं उठाऊंगा फिर भी तुम जवाब दे दोगे इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए तब ही जाके जवाब दोगे पूछो कैसे पचास किलोग्राम द्रव्यमान दे दिया है यानी यम की वैल्यू पचास किलोग्राम दे दिया उसने कहा वस्तु को दस मीटर की ऊंचाई तक दस मीटर की ऊंचाई मतलब यच दे दिया दस मीटर कहता है जी की वैल्यू दस मीटर तो जी हमें दे दिया दस अब तुमसे कहा जा रहा है कि विल बी द पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है स्थिति जो ऊर्जा पूछ रहा है तो कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जब तुम देखते हो तो तुम्हें एम दिखाई देता है डी हमने मसाला बताया था एम मसाला का उपयोग करिए जब तुम्हें दो चीज दिख जाए तो एम मसाला लगाइए तुमने कहा पचास गुरु जी कहा लिखना हमें पांच लिखना है तीन जीरो लिखना है बस अब पांच तीन जीरो तुम्हें दिखा तुमने कहा गुरु जी पांच हजार जूल हो जाएगा क्या हो जाएगा तो पांच हजार जूल इसका ईसाई यूनिट मान लिया ठीक है पांच हजार जूल ये एम मसाला ही तुम्हारा पांच हजार लेकर चला आएगा बेहिचक लेकर चला आएगा ठीक है ये पॉइंट याद रखना आगे चलते हैं आगे देखते हैं सर्किट में विद्युत प्रवाह की बात करेंगे तो विद्युत प्रवाह को समित सीमित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है अब इस पॉइंट को समझने के लिए तुम क्या करोगे तुम्हें समझना क्या है तुम्हें देखना यह है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है अब इलेक्ट्रिक फ्लो हो तो रहा है पर सर्किट के अंदर तो भैया इसको जो है देखो ध्यान से समझो कि डिवाइज पूछ रहा है तो डिवाइज के लिए तुम एक काम करोगे उसको पकड़ोगे कि फ्यूज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा रजिस्टर लगा देंगे तब या कैपेसिटर लगा दे या दोनों लगा दे बताओ

जाएगा यहां पे ठीक है अगला सवाल देखिएगा सबसे छोटी रक्त की बात कर रहा है देखिए सबसे छोटी रक्त जो वाहिका है जो एक कोशिका जितनी मोटी होती है उसे क्या कहा जाता है मतलब कि द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है दैट आर आर थी वन आर वन सेल आर डेट एज डेट आर एज थी अब उस सेल को उस कोशिका को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है तो जल्दी से बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा वेना केवा भी दे रखा है आर्टरीज भी दे रखा है विंस भी दे रखा है और आपका कैपिलरीज भी दे रखा है तो सवाल का जवाब क्या होना चाहिए जल्दी से एक बार बताइएगा हमें तो इस सवाल को पकड़िए जरा सा जल्दी से बताइए देखिए इसका काम क्या होता है पता है यह जो उत्तकों के बीच यानी टिश्यू के बीच अगर कहें तो पदार्थों का आदान प्रदान करने में मदद करता है जो उत्तक होता है टिश्यू होता है उसमें पदार्थों का आदान प्रदान करने में मदद करता है तो मदद तो कर रहा है ठीक है पर कोशिका ही करेगा कैपिलरीज करता है कौन करता है कैपिलरीज करता है अब तुम पूछोगे गुरु जी इतना सब कुछ हमारे लिए काफी है मैं कहूंगा थोड़ा सा इसमें हम ब्रेक लगाते हैं पूछो कैसे हमने एक शब्द लिखा आरबीसी के बारे में हमने कहा रेड ब्लड सेल कहो रेड ब्लड सेल जानते हो यह बताइए कि रेड ब्लड सेल जो है किसका आंगन कहा जाता है अगर तुमसे कहा जाएगा कि बताइए यह किसका आंगन कहा जाता है इसको आंगन बोला जाता है क्या बोला जाता है तो इसको ना इसको आंगन बोला जाता है हमने आर की बात की है तो आर को जब तुम देखोगे ना तो आर को आंगन कहा जाता है किसका कहा जाता है जानते हो इस यहाँ पे स्प्लिन की बात हो रही है स्प्लिन इज अ ग्रेव यार्ड ऑफ़ आर यानी प्लीहा जिसे बोल देते हो तुम स्प्लिन इज अ ग्रेव यार्ड ऑफ़ आर स्प्लीन स्प्लिन जो होता है इसका आंगन बोला जाता है आर का ठीक है इस बात को याद रखना बहुत बड़ी बात है इस तुम्हें कभी है नहीं पता चला होगा और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर पचासी पे नीचे वाले पॉइंट पे लिखा हुआ शब्द मिलेगा तुम्हें वैसे पढ़ने जाओगे तो अच्छा इसका जो है अगर कहा जाए लाइफ स्पेन कितना होता है यानी इसका जीवन कार्य जो होता है जीवन समय होता है कितने दिन तक आर जो जिंदा रहता है कितने दिन तक रहता है यह भी सवाल आ सकता है आपसे तो जब लाइफ स्पेन की बात होगी तो वहां पर गोल चक्कर बनाना गोल चक्कर कैसे बनाओगे देखो कुछ भी जो है जंगोल देते हो अरे भैया रुक जाओ रुको फिर वही बात है इसके बाद फिर से अभी अभी तो चलेगा अभी तो चले, फिर वही रुकने नहीं पूछ रहे बार बार गुरुजी बस कर रहे हमका, अरे अभी तो शुरुआत है ये तो अभी रुको जो, एक सौ बीस हो जाता है कितना हो जाएगा सौ से एक सौ बीस होता है आप 120 बोल सकते हो ठीक है अगला देखिएगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है यानी विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं आपके आहार नाल की बात करते हैं तो आहार नाल में लंबा पार्ट पूछा जा रहा है जरा बताइए देखिए बहुत बढ़िया चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी यहाँ पर गुड इवनिंग स्वीट हार्ट लिखा जा रहा है ठीक है तो गुड इवनिंग स्वीट हार्ट भैया आप सबको भी गुड इवनिंग जो है आपको भी गुड इवनिंग सभी को अब स्वीट हार्ट मत बोला करिए हार्ट हमारा निकल के बाहर चला आएगा हार हाट हमारा छा हम स्वीट हाट बोल रहे हैं चलिए ग्रस नली हो जाएगा छोटी आंत बड़ी आंत या मुखगुहा ओसो फेगस स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन बक्कल कटी देखिए आपके शरीर का जो पानी पचाने वाला काम है सुनो ध्यान से आपके शरीर का जो पानी पचाया जाता है क्या किया जाता है पानी को पचाने का काम कौन करता है आपके शरीर के पानी का डाइजेशन करता है लार्ज इंटेस्टाइन कौन करता है लार्ज इंटेस्टाइन करता है ठीक है और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा बात समझ में आया ठीक है समझ में आ रहा है है यह पानी पचाता पचाता खाना नहीं पचाता. कभी भी जो है बड़ी आंत जो आपकी है यह खाना से मतलब नहीं रखता यह तुम्हारे पकेल जितना तुम ड्रिंक लिक्विड वाला मटेरियल होता है वह इसको डाइजेस्ट करता है पर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वह खाने को पचाने में ज्यादा बिलीव करता है बात समझ में आया सभी को ठीक है अच्छा अगर तुमसे कहे जाए कि पाचन तंत्र जो होता है सुनिएगा जरा सा है ना जो आपका पाचन तंत्र होता है जिसको जगह छोटी था, छोटी याद को कितने भागों में बांटा गया तो याद रखना कि इसको तीन भाग में बांटा गया है और तीन भाग में से इसमें एक भाग होता है जो किस अल्फाबेट की तरह दिखाई देता है सवाल पूछा गया इसमें एक भाग होता है जो किस अल्फाबेट की तरह कौन से अल्फाबेट की तरह दिखाई देता है तो इसको भी तुम बता सकते हो कि एक अल्फाबेट की तरह दिखाई देता है जिसे कहा जाता है सी सी क्या होता है सी की तरह दिखाई देता है ठीक है तो सी की तरह दिखाई दे रहा है मतलब कहने का क्या हम समझे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है ठीक है अगला चलो अगला चलो देखो जरा सा अगला क्या कह रहा है ग्लूकोज प्राइवेट ग्लूकोज प्राइरोट में कहाँ टूटता है जरा इस पर गौर गा, फरमाइएगा इस पर जरा गौर फरमाइए जवाब दीजिएगा गौर फरमाइए इस पे कि ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो रहा है ठीक है तुमने कहा किसमें टूट रहा है पायरवेट में टूट रहा है मतलब ग्लूकोज के टूटने की हिम्मत पूछ रहा है कि कौन है जो ग्लूकोज को तोड़ के पायरवेट में बदल दे रहा है यहां पर ऑप्शन में गालगी बाडी को दे रखा अच्छा गालगी बाडी कैसे कर लेगा बताओ गालगी बाडी तो आपका लाइसोसोम हो गया लाइसोसोम तो यह तो भैया ये तो पहले आउट हो गए यह तो पहले बाहर निकल जाते हैं ये तो नहीं रहेंगे हमारी टीम में साइटोप्लाज्म जो है जहां तक हो सकता है रह सकते हैं है रह सकते हैं कि नहीं रह सकते रह सकते हैं ना वो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट रहेगा क्लोरोप्लास्ट तो हमें नहीं लगता क्योंकि पौधा में है तो ये क्या करेगा है ना ये तो गलत बात अब प्रोटोप्लाज्म का मुझे कोई संबंध दिख नहीं रहा है यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी पे याद रखना साइटोप्लाज्म होता है साइटो मतलब सेल होता है ठीक है तो वहां पर प्लाज्मा की बात हो रही है तो साइटोप्लाज्म प्लाज्म यहाँ पे क्या करेगा यह आपको यहाँ पे ग्लूकोज जो है उसको पायरवेट में तोड़ देता है ठीक है बात समझ में आ रहा है अच्छा पायरवेट कहां से आया तो वो एटीपी के रूप में बात हो रही है कि एटीपी को जारी करने का जो काम होता है एटीपी जारी करने वाला पायरवेट होता है ये एटीपी ही जनरेट करता है अगला चलो अब देखो फिर से एक बड़ा उछलता हुआ जो चीज आया है कि यदि पांच सौ कुलंब का आवेश पच्चीस सेकेंड में प्रवाहित होता है जरा इसको देखो जरा सा पांच सौ कुलंब है पांच सौ कुलम्ब तुमने लिखा ठीक है 25 सेकंड में हो रहा है यानी टी दे दिया है पांच पच्चीस सेकंड ठीक है और ये तुम्हारा कुलम्ब है तो कुलम्ब का यानी आप बात कर रहे हो तो चार्ज की बात कर रहा है क्यों पूछ रहा है क्या है समझ रहे हो सभी को क्लियर है सभी को ठीक है तो तुमने कहा कि गुरु जी बताइए इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा यानी आई पूछ रहा है तो आई इक्वल टू क्यू अपॉइंट टी फार्मूला होता है तुमने कहा पाँच सौ बचे पच्चीस कर देना तुम्हारा कैसे में किस में कट जाएगा तो पच्चीस पच्चीस दूनी पचास है ना और बीस यहां पे लिख लो तो बीस सवाल का सही जवाब है बीस एम्पियर हो जाएगा क्या हो जाएगा बीस एम्पियर हो जाएगा इसमें देखो कुछ भी सचिन तेंदुलकर बनने वाला सवाल नहीं था ये ये सचिन तेंदुलकर तुम्हें नहीं बनाता क्यों नहीं बनाता क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था क्यों क्या है चार्ज है क्यों क्या है चार्ज हो जाता है ठीक है क्या है समय हो जाता है टाइम हो जाता है और आई जो होता है ये करंट होता है यानी इसे विद्युत बोला जाता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब अच्छा कुछ यहाँ पे चालीस भी बता रहे हैं चालीस को दोगुना नहीं उसको हाफ कर दो आधा उसको काट दो चालीस को चालीस को आधा कटोगे बीस में चले आना ठीक है चलो अगला सवाल देखो मदर्स मिल्क प्रोवाइड एन ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न मतलब पहले समझो क्या कह रहा है बट इट लेक्स द फॉलोइंग कि माँ का दूध नवजात शिशु को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है ये बात सभी को पता है क्योंकि तुम लोग हर बात पे कहते हो कि अपनी माँ का दूध पिए हो तो कभी हमारे पास आना कभी हमसे मिलना तुम्हारा यही हमेशा शब्द रहा है इसीलिए कह रहे हैं लेकिन इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है क्या होता है इसमें किस चीज़ का अभाव होता है सवाल ये पूछा जा रहा है ठीक है जल्दी से हाँ भैया टाइमिंग अच्छा टाइमिंग अगर पूछ रहे हो तो भैया क्लास की टाइमिंग इस क्लास की टाइमिंग छः से सात होती है डेली साइंस की क्लास छ से सात होती है हर एक सवाल का जो है धुआंधार तरीके से सवाल का जवाब मिलता है बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा तो याद रखना कि आयरन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो आयरन सवाल का सही जवाब माना जाएगा क्या माना जाएगा आयरन सवाल का सही जवाब माना जाता है आयरन हो जाता है अच्छा अच्छा एक बात बताइए आपके खून के लाल होने का कारण क्या होगा आपका जो खून है है ना इसको देखो जरा सा जो खून होता है यानी जिसे ब्लड कहा जाता है ब्लड समझ रहे हैं खून की बात हो रही है तो खून का लाल होने का कारण क्या है खून के लाल होने का कारण क्या होगा जरा बताइएगा ठीक है जल्दी से बताइए तो खून के लाल होने का कारण क्या है डैट मीन्स वहां पे हीमोग्लोबिन हो रहा है और जब हीमोग्लोबिन हो रहा है तो वो बात कर रहा है आपके ब्लड की और हीमो क्या है और ग्लोबिन क्या है हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन डैट मीन्स यहाँ पे याद रखना कि यहाँ हीमोग्लोबिन उठाओगे क्या उठा लोगे तो हीमोग्लोबिन उठा लेना हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है हीमोग्लोबिन आपका मैंने बोला कि ये आपका क्या है आयरन हो जाएगा ये आपका आयरन है और ये आपका प्रोटीन है तो आयरन और प्रोटीन से मिलकर जो है आरबीसी बनता है जिसके वजह से आपका खून लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन होता है ये बात समझ में आया सभी को क्लियर है हैं समझ में आया सभी को चलिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छे ठीक है अच्छा ये पॉइंट समझ लियो अब आगे चलो जरा सा आगे और भी देखते हैं देखो कैल्शियम की कमी से भी शरीर तुम्हारा डगमगा जाता है कभी कदार इसको बात को याद रखना अगला देखो अल्ट्रा रेडिएशन क्या पूछा है पहले समझ लेते हैं फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन डेट कि सूर्य के प्रकाश से पराबैगनी विकिरण प्रतिक्रिया हो रही मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा तो उसका कारण बनता है कि इनमें क्या उत्पन्न होता है अब भाई देखो सूर्य के प्रकाश से किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज आता है तो ये बताइए कि जब अल्ट्रावायलेट रेज आता है वहां से तो वह क्या करता है पौधे को मतलब लेके करेगा क्या उसका मतलब अचार वचार तो नहीं डालेगा है अचार तो डालेगा नहीं कुछ तो उसका करेगा ना तो क्या करेगा ये बता रहा है क्या वो ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या फ्लोराइड क्या करेगा क्या उसका है बताइए जल्दी से उसको कहीं तो फायदा हो रहा है क्योंकि वह तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो बात अगर पौधे की हो तब क्या करोगे यहां पर सवाल का जवाब क्या होना चाहिए कारण क्या है ऑक्सीजन ओथरी बता देना जरा सा ओथरी पे चले जाना ओथरी आपका हो जाएगा समझ बच ओजोन का परत होता है परावैगनी किरणें आती है ओजोन की परत समझ रहे हो ना वो रोक ओजोन उसको रोकने का काम करता है वरना डायरेक्ट हमारे शरीर पर आएगा अगर तो हम जल जाएंगे मतलब हमारा शरीर जल के राख हो जा सकता है ठीक है इतनी तेज किरणें होती हैं चलिए विच आर द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर कहने का मतलब है कि में से किसका उपयोग जो है रक्त के कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है अब रक्त का कैंसर पूछा गया जरा बताइए वैसे आप सबसे अगर मैं कहूं विटामिन भी एक होता है एक विटामिन भी होता है है ना विटामिन होता है सभी को पता है अच्छा एक बार बताइए उस, उस उस एलिमेंट का नाम बताइए एलिमेंट का मतलब जिसे तत्व बोला जाता है ठीक है आप कहोगे सर तत्व क्या है गुरुजी तो एलिमेंट यानी तत्व की बात हो रहा है तो जो तत्व होता है जो एलिमेंट होता है वह एलिमेंट जो कि आपका कैंसर के रोग के मतलब कैंसर के उपचार के लिए उसका इस्तेमाल होता है उसका नाम बताइए कैंसर के उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाला यूज में उपयोग में होने वाला जो आपका होता है आपका ये एलिमेंट उसका नाम बताइए जल्दी से सवाल का जवाब फास्फोरस बत्तीस यहां पे याद रखना है ना फास्फोरस बत्तीस याद रखना फास्फोरस हो जाएगा कोबाल्ट सिक्सटी आप बता रहे हैं बहुत बढ़िया कोबाल्ट सिक्सटी आपने बताया बिल्कुल सही जवाब दिया आप सब ने बहुत सही जवाब दिया आप सबका जवाब फिर देखो फिर वही बात चाचा चाची वाली चलना लगे चाचा चाची वाली बात ना किया करो यार भैया क्लास में ठीक है चलो अगला द ऑप्टिकल फाइबर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी इसको जरा ध्यान से देखो पहले क्या कह रहा है फिर पूछ क्या रहा है प्रकाश ऊर्जा के संचरण जरा इस पर गौर फरमाना बढ़िया सा इस पे गौर फरमाने वाला सवाल है कि संचारण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग किया जाता है क्या उपयोग किया जाता है या उसे कहते हैं या इसकेट्रिंग, इसकेट्रिंग का मतलब होता है जैसे तुम परछाई में जो है लाइट देख लेते हो कभी कदार अगर रूम में अंदर कहीं कुछ छेदा वेदा होता है गड्ढा वड्ढा तो तुम देखते हो लाइट की रोशनी ऐसे घुस जाती है कमरे के अंदर वही कह रहा है या रिफ्रेक्शन हो जाएगा परावर्तन हो जाएगा

सर मेरा पूरनिया घर है तुम्हारा पूनिया घर में चला आऊंगा इसका जवाब दीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्शन नंबर ए याद रखना जिसे पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब कहा जाता है क्या कहा जाता है पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है चलिए अगला सवाल देखिए द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्थी आई ऑफ अ ह्यूमन बिंग सपोज यानी मनुष्य की सामान्य स्वस्थ जो आंख होती है जो कि तुम्हारी है बिल्कुल अच्छे से है ना तो कहता है कि दृष्टि जो है न्यूनतम दूरी मानी जाती है मतलब ये समझो कि जो तुम्हारी आंख है लगभग कितनी दूर की चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से देख सकती है कोई सामान अगर रखा हुआ है दूरी से तुम्हें दूर पर रखा है और तुम्हें देखना है मान लो कि समझ रहे हो मार्केट तुम बाजार चले गए शाम को छः बजे पाँच बजे जब भी जे और तुम्हें किसी को देखना हुआ अब तुम्हारी आंख बहुत तेज चलता है उसमें तो तुम उछल उछल के कूद कूद के देखने की कोशिश करते हो ठीक है तो वही उछलने वाली बात कह रहा है कि इसमें कौन सा सेंटीमीटर तुम लोगे पच्चीस सेंटीमीटर की दूरी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही पड़ेगी तो ऑप्शन नंबर डी चले जाना पच्चीस सेंटीमीटर की डी की दूरी बहुत सही पड़ेगी ठीक है बात समझ में आए सभी को ठीक है ऑप्शन नंबर डी चले जाना बहुत बढ़िया पच्चीस सेंटीमीटर हो जाएगा अब अगला सवाल देखिए फॉलोइंग थर्मामीटर इज नोन एज कहने का मतलब यह है कि इनमें से कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जिसे पायरोमीटर के नाम से इस पर जरा गौर फरमा के जिंद का नाम लिखिएगा जवाब दीजिए क्या होगा हाँ बताइए जल्दी से नहीं नहीं वो तो है कि हम तो हम तो हुए बेवफा इस कदर तुम्हारे लिए ऐसे गाना गाते हो ना हम तो हुए बेवफा इस कदर तुम्हारे लिए इस बार लेंगे सलेक्शन चाहे जिगर पार करना पड़ जाए बस यही जज्बा तुम्हारे अंदर चाहे जिगर पार करना पड़ जाए इस बार लेंगे इलेक्शन तो ठीक है बात समझ में आए सभी को अच्छा तो ए यहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर दिया रेडिएशन थर्मोमीटर हो जाएगा या क्या हो जाएगा जल्दी बताइए पढ़ लो थोड़ा सा हाँ जी बिल्कुल सवाल सिक्सटी यहाँ पे याद रख लेना इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा रेडिएशन थर्मामीटर होता है ऑप्शन नंबर बी और हमने तुमसे कहा था कि आज का टारगेट क्या है तो हमने आपसे टारगेट बोला हमने क्या बोला आपसे टारगेट बोला टारगेट क्या है आज का आज का मिशन देख लो पहले मिशन देख लो फिर तुमसे हम बात करेंगे मिशन तुम्हारा जो आज का मैंने दिया है वो 500 दिया है 500 प्लस का मिशन दिया है पर इसमें कमी हमें दिख रही है इसका कारण क्या है बताओ जरा सा हैं ऐसे चलेगा काम ऐसे काम चलता है कहीं इस सवाल का जवाब रेडिएशन थर्मामीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखना ठीक है रेडिएशन थर्मा सॉरी बी याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहां पे रेडिएशन हो जाता है आगे चलो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जिसे कि आपका डीएनए बोला गया है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जिसे ए राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है डीऑक्सी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे बोला जाता है यह बताइए कि आखिर ये इसकी खोज यानी या या गिवेन किसके द्वारा होता है बाई होम तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जैकॉब एंड मोनार्ड भी दे रखा है अच्छा ऐसा नहीं लग रहा कि ये चाचा है चाचा ही लग रहे हैं ना बताइए ये भैया है वाटसन वाटसंट्री भैया हो गए अच्छा एच जी खुराना जो है या ऐसा लग रहा है कि एच एजी खुराना मामा कहलाएंगे हमारे मामा हैं अन्ना नाथ देव ये तो कुछ भैया नहीं है तो भैया कौन मामा चाचा भैया में से पहचानू हमें लगता है ये भैया ही होंगे तो वाटसन और क्रिक भैया जो थे ये डेंने के बहुत बड़े जानकार इन्होंने ही क्या किया था ये आपका खोजा था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस, इस तरीके से तुम्हें दिखाई देगा कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसी को डबल हेलिकल बोलते हैं ठीक है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाता है आपका ठीक समझ में आया तो चाचा भैया पहचानो इसमें से बताइएगा ज़रा विच of द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है कि इसमें कौन सा जोड़ा जो होता है सही सुमेलित नहीं होता है क्या विटामिन बी सिक्स पूछ रहा है विटामिन बी टू कर्ड लिवराइल दे रहा है विटामिन ई e जो है वी, मतलब गेहूँ खाने को कह रहा है गेहूँ खाओगे तो तुम्हारी सुंदरता बढ़ेगी अच्छा विटामिन की अल्फ़ाल्फा दे रहा है अब इसमें पहचान कौन सा नहीं है कौन सा सही नहीं है बताइए जल्दी से हाँ बताइए जल्दी से ए बी सी या फिर डी देखो यहां पर ना जब भी तुमसे कोई पूछा करेक्टली मैच नहीं हो रहा अब बी की अगर बात करें तो बी तो हो ही नहीं सकता है हमारी नज़र में जो हमने विटामिन खाया अभी तक हम जितना विटामिन लेते हैं मेरे हिसाब से कि विटामिन बी अभी तक हमने इस तरीके से देखा नहीं है कभी हमने नहीं देखा कभी नहीं देखा है तो बी आपका हो जाएगा राम राम भैया राम राम सभी को सभी राम राम खुश रहिए मस्त रहिए अब बढ़िया सा लगे रहिए इस बार सिलेक्शन को जो है पाने की कोशिश करिए बस इस बार नौकरी को छोड़िएगा नहीं किसी मोड़ पे जाए जहाँ गली किसी मोड़ पे दिख जाए बस वही गड्डी छोड़ के उसको पकड़ लेना समझ रहे हो और गाना तो तुमने सुना ही होगा कि जिस गड्डी छोड़ आया वही मोड़ आया बस वही चीज करना है इस इस क्वेश्चन पे गौर फरमाओ यूज ऑफ पॉलिश राइस इन ह्यूमन डाइट काजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कहने का मतलब मानव आहार में पूछा मानव आहार ठीक मानव आहार ले रहा है उसमें पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग किया उसने कहा नहीं हमें बासमती वाला चावल ज़्यादा पसंद है बहुत बढ़िया रहता है ठीक है तो इनमें से किस रोग का कारण बनता है यह बताइए जल्दी से अगर उसने ज़्यादा बासमती खा लिया मान लो नहीं कहा कि मुझे महक चाहिए चावल का जिसमें महक हो क्योंकि मेहमान घर पर आ रहे हैं चावल बढ़िया होना चाहिए तो बेरी बेरी रोग होगा घेंगा रोग होगा या रतौंदी होगा या फिर आपका रंग अंधापन हो जाएगा देखिए एक बात बताएं आपको एक बात बताएं आपको तो आपने सुना होगा कि बेरी बेरी एक रोग होता है विटामिन बी वन जिसे बोलते हैं जिसे विटामिन बी वन बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए याद रखना इसे विटामिन बी वन बोलते हैं और इसका नाम थायमिन होता है क्या होता है तो थायमिन होता है तो थायमिन यानी बेरी बेरी रोग हो जाएगा फिर ठीक है ऑप्शन नंबर ए वाह बहुत बढ़िया नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए में चावल का कोई संबंध नहीं है ज़्यादा बीवन खाओगे ज़्यादा बीवन मामा को खिला दोगे समझ लो उनका जो है बेरी बेरी होना शुरू हो गया ठीक अच्छा विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द मैक्सिमम एनर्जी कहने का मतलब अधिकतम ऊर्जा होती है क्योंकि तो तुम्हारे अंदर पूरी भरी पड़ी है एकदम तुम्हारे अंदर एकदम जोश में हो तुम लोग ठीक है चलिए ठीक है विद्युत चुंबकीय विगिर जो है क्या कहते हैं विकिरण में अधिकतम ऊर्जा जो होती है सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ देखने को मिलेगी विजिबल लाइट के अंदर देखने को मिलेगी इंफ्रा यानी आपका इंफ्रा रेड मिलेगा अल्ट्रा वायलेट दिख जाएगा या फिर एक्सरे दिख जाता है देखो तो एक्सरे तो नहीं कह सकते ना कि एक्सरे कह सकते हैं एक्सरे तो नहीं कहेंगे जहाँ तक हमें लग रहा है कि एक्सरे नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की बात कर रहा है और एक्सरे तुम जानते हो कि कभी कभी डॉक्टर जो है हमारा ही शरीर के कंकाल को ऐसे देख के नहीं पहचान पाता है ये हमारे ही शरीर है कि पता नहीं किसी और की दे रखा है तो वही होता है कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा जो कि तुमने बोला नहीं होगा देखो डी हमने हमने कहा डी नहीं होगा तो तुम लोग क्या बोल रहे हो हमने जैसे बोला डी नहीं होगा तुमने कहा कि नहीं गुरु जी बी तो होगा ही होगा सी भी होगा है ना तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी होगा चलिए अगला इसमें से बताइए कि वी चौन आर फॉलोइंग नॉट फील एनी पेन ऑन बी प्रिक्ड बाय ए नीडल अब देखो जरा सा किसी अंग को सुई चुभाने पर कोई दर्द महसूस नहीं होगा ये तुम्हें तो पता ही है कि कहा तुम्हारा सुई जो है चुभाया जाए जो तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि अब तुम वैसे इतना दर्द झेल चुके हो कि दर्द तुम्हें महसूस नहीं होगा जहां भी सुई चुभाया जाए अगर हम इसको यहां लगाएंगे तो लग जाएगा कि लगेगा कि किसी ने काट लिया हमें आंख में लगाएंगे तो आंख तो हमारा दो सही दृष्टि दोष खत्म है हमारा आ हृदय में तुम लगा नहीं सकते लगाओ के दिल दिल में तो तुम्हारे रोज़ सुई लगता है हर एक सेकंड पे तो ऑप्शन नंबर बी देख लेना ब्रेन यहां पे हो जाएगा इसके अंदर नहीं सुई लगाना दर्द नहीं होगा ब्रेन में सुई लगाने पे मतलब ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क हो जाएगा ठीक है चलिए बात समझ में आया चलिए बहुत बढ़िया सर का शादी नहीं हुआ है पहली बार सर की शादी की चिंता मत करिए आप अपने शादी के प्रबंध के लिए पढ़ाई कीजिए अपने शादी के प्रबंध के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना कि हमारी शादी जो है उसी से हो जिससे हमने पहले कभी वादा किया था और उसके ससुर को ससुर पहले मान बैठे हो और तुमने चैलेंज दे दिया है कि नहीं इस बार हम लेने आएंगे बी एमडब्ल्यू के गाड़ी में बैठ के क्योंकि हमें नौकरी लेना ही पड़ेगा तो यही तुमने वादा किया है तो निभा भी लेना कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट ब्रेन इन द प्रोपोर्शन टू द बॉडी साइज कहने का मतलब समझना कि किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार से अनुपात में सबसे बड़ा है जो मस्तिष्क होता है किसका जो है उसके शरीर का जो आकार है वो तो पता नहीं कैसा है पर उससे बहुत बड़ा उसका दिमाग होता है मतलब बहुत होशियार आदमी होगा कोई कोई होशियार ही इसमें जानवर माना जाएगा ये मनुष्य मनुष्य है डाल्फिन है एलिफेंट है या आपका चीटी होगा अच्छा मर्द पिक्चर किसी ने देखा है क्या कहोगे गुरु जी एक ऐसा हमने कहा मर्द पिक्चर तुम सबने देखा होगा देखा है कि नहीं मर्द पिक्चर देखो जब तुम देखते हो कि अमिताभ बच्चन इस तरीके से बांध दिए जाते हैं तो समुद्र में से एक जानवर निकलता है जाके पच पच दोनों काट देता है खत्म बचाता है मनुष्य को बचाने का काम बहुत अच्छा जानवर सेंसिबल ह्यूमर है बहुत ज्यादा दिमाग है उस जानवर के पास माना जाता है वो डालफिन हमारा दोस्त है डालफिन हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त डालफिन होगा ऑप्शन नंबर सी बी नहीं होगा हाथ हाथी को तुम दिमाग दे दोगे हाथी को पता ही नहीं चलता गन्ना किधर से खाना है उसका मुंह ही नाक के नीचे बना हुआ है उसको यही नहीं पता खाना किस जगह से है तुम ऊपर से उसको हाथी को दिमाग दे दे रहे हो चलो पंजेंसी की बात करेंगे पहले देखो पहले पंजेंसी की बात कर लेंगे ना तो फिर तुमसे बात करेंगे पंजेंसी चिलीज इज ड्यू टू द प्रोजेंस ऑफ अच्छा मिर्च में तीखापन तो होता है सभी को पता है जो कि तुम्हें एहसास होगा तो बताइए आखिर कारण इसका क्या हो जाता है क्यों बहुत ज्यादा तीखा होता है इसका कारण हमें बताइए क्या लाइकोपिन होता है या एंथोसाइनिन होता है या कैरोटीन होता है या कैप्सिन होता है तो याद रखिए जब कोई सवाल आएगा तो हमेशा याद रखना कैप्सिसिन कैसे याद रखोगे याद रखने के लिए शिमला मिर्च का नाम जरा याद करना क्या नाम था कैप्सिकम होता है तो कैप्सी कैप्सिकम तो ऐसे ही कैप्सिसिन बस कर लेना मिर्च में तीखापन अपने आप लगने लगेगा तुम्हें ठीक है अगला सवाल देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहा है कैन बी वेरी फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग कहने का मतलब यह यह है कि उपयोग करके किसी कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी से बहुत सटीकता से ट्रैक किया जा सकता है अब यह बताओ कि सटीकता से ट्रैक किया जा रहा है किसी को तुम ट्रैक कर ले रहे हो क्या इफेक्ट लगा रहे हो तो वहां पे डापलर इफेक्ट लगा देना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डापलर प्रभाव क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला सवाल देखिएगा इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस मतलब कहने का है इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस अच्छा पहले जब बोला जाता था जब मास्टर साहब लोग बोलते थे कि यो ग्रीन हाउस गैस है बिटवा तो बिटवा क्या करता था वो उस सोचता था कि यार हमारा घर जो है उसमें तो कोई ग्रीन हाउस बना नहीं है उसमें गैस ही नहीं हमारे घर में तो कोई हरे रंग का रूम ही नहीं बनाया हरा कलर करवा देता था कहता था ग्रीन हाउस यही है कह उसको पहले बाद में पता नहीं चलता था अब पता चल गया तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है पहले का ऐसे ही थोड़ा सा था ना कि मास्टर साहब कुछ कहते थे अब हमारा कुछ और था समझ लेता था कुछ और है नाइट्रोजन ऑक्साइड याद रखना नहीं होता है समझ ग्रीन हाउस गैस पूरी तरीके से कवर हो जाता धूप नहीं लगने देना है उसे ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है ठीक अगला सवाल देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच यानी कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं होता है यानी कि ऑक्सीटोसिन क्या एक हार्मोन है यह पूछ रहा है कि नहीं है सुमिलित मतलब इसका जोड़ा बिल्कुल गलत बन गया जोड़ा इसका गलत बन इसका जोड़ा बनाना है जोड़ा कराओ इसकी शादी करानी है कहने का मतलब है तो ऑक्सीटोसिन की शादी हार्मोन से है क्या यह सही है कि गलत है बताइए आप सभी बिल्कुल सही है अच्छा स्पार की बात करें क्या ये स्वीटनर होता है बिल्कुल इसकी भी शादी सही हुई है इसका विवाह देखो जरा सा स्पेशलाइज रबर बोला गया है नियोप्रीम को तो बिल्कुल सही बोल दिया गया है पर एक बात का हमेशा याद रखना कि रयान जो है मॉडिफाइड स्टार्च नहीं होता है पॉलीमर तुमने पढ़ा होगा तो उसमें चला आएगा तो ऑप्शन नंबर डी को पहचान लो बस तो रयान जो है संश्लोषित जो संशोधित स्टार्च नहीं माना जाता तो जहां जोड़ा बनाना था तुमने तीन जोड़ा सही बना चौथा वाला जो है बिगड़ गया इसका तलाक हो गया इसका तलाक हो गया स्टार्च में हो गया इसका तलाक अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एलिमेंटल पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज मतलब काजेज मिनमाटा डिजीज ठीक है तो मिनमाटा रोग जो होता है कहने का मतलब है जो मीनामाटा रोग होता है यह रोग किसके कारण हो जाता है यहां पे बुद्ध यानी अच्छा मरकरी को बुद्ध लिख दिया इसने पारा होगा ना भैया तो पारा लिखा है पारा अकेडमी हम लोहा या फिर आर्सेनिक हो जाएगा जरा बताइए जल्दी से आराम से जवाब दीजिए कोई घबराहट घबराहट वाला सीन नहीं रखना है एकदम गौर फरमाना बढ़िया देखो सवाल उछल के आ रहा है और जब उछल के सवाल आता है तो उस पर गौर नहीं बहुत बढ़िया से फरमाया जाता है बस सवाल का जवाब दीजिए आज पानी भी नहीं लेके आए आप लोग के चक्कर में हाँ भैया बस बिल्कुल अब एकदम शुरू है एकदम साइंस का सवाल समझ लो कि पच्चीस में से सौ नंबर का है ना तो एकदम टेंशन ना ले ठीक है हाँ बताओ जरा सा क्या हो जाएगा यहाँ पे मरकरी तुम लोग नहीं बता रहे हो तुम लोग कैडमियम का जवाब दे रहे हो तो जो मरकरी वाला हमारा विद्यार्थी होगा जो कि तुम सब भैया सभी बिल्कुल सही दे रहे थे मरकरी तुम सब ने बोला था तो मरकरी को हम मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारा हो जाएगा और एक बात याद रखना बहुत ज़रा जरा सा जहाँ पारा रहेगा वहाँ अमूल भी रहेगा और गम भी रहेगा अमूल समझ रहे हो ना अमूल का मतलब दूध वाला जो अमूल होता है उसको ही मान लो एक याद रखने का तरीका है कैसे देखो अमलगम बोलोगे अमलगम का पूरा नाम देखो कैसा लिख रहा है अमलगम यानी अमूल हो गया गम हो गया जहां अमूल है वहां गम है गम की तरह दिखता है ऐसा दूध सफ़ेद मतलब ऐसा था फेवी कोक लेकर चल रहा फेवी कोल है पूरा तो वही अमलगम चिपका देना जहां अमलगम दिखे वहां पारा का नाम ले लेना दोनों भाई दोनों भाई बहन है आपस में ठीक है डिटर्जेंट को लेके चलो डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लास मतलब डिटर्जेंट का इस्तेमाल कपड़ा साफ़ करने के लिए किया जाता है बहुत बढ़िया इस पर गौर फरमाओ बढ़िया सा क्या कार्बोनेट भी हो सकता है बाइकार्बोनेट भी हो सकता है बिस्मथेट भी हो सकता है या फिर सल्फोनेट्स भी हो सकता है इस पर जवाब दो जरा सा और हमने टारगेट दिया था हमने टारगेट भी दिया है टारगेट अगर तुम पूरा कर लोगे तो बहुत बड़ा एक समझ समझ लो कि तुम्हारे लिए मैं क्या क्या सोच कर बैठा हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे सिलेक्शन की जिम्मेदारी जो मैंने ले रखी है प्रण जो ले रखा है उसके लिए कुछ तो हमने किया सोचा होगा कुछ तो मैंने सोचा है अब उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ पर पहले इसको पहले पूरा करो बढ़िया सा और जवाब के साथ पूरा करो तो क्लोरोप्लास्ट तुम सभी बता रहे हो कैसे भैया यहाँ पे सल्फोनेट हो जाएगा ना क्लोरोप्लास्ट नहीं क्या बता रहे कार्बोनेट्स बता रहे हो नहीं सल्फोनेट्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे याद रखना ए नहीं होगा ऑपोनेंट्स से नहीं होता है कभी अगला सवाल सोलर एन एनर्जीज कन्वर्टेड इनटू एटीपी यानी कि जो सौर ऊर्जा है यह आपकी परिवर्तित हो जाती है एटीपी के अंदर तो परिवर्तित जब एटीपी के अंदर हो गई तो बताइए इसका कारण क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम परऑक्सिसोम भी होगा तो क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम परऑक्सिसोम अब देखो एकक सवाल को देखो नहीं नहीं यहाँ सल्फोनेट होता है यहाँ पे देखो पहले क्लीनिंग कॉथ के लिए यहाँ पे सल्फोनेट का इस्तेमाल तुम कहोगे कार्बोनेट होगा फिर वही बात हो जाती है बेटा सल्फोनेट होता है वहाँ पे इसको सल्फोनेट लगाना भेजा अपना दिमाग ना लगा हम पहले ही बोले थे कि तुम्हारे सामने जो भी जवाब मिल रहा है सही है अपनी खोपड़ी नहीं चलानी है ठीक है चलिए सोलर एनर्जी की बात करेंगे अगर हम कहें तो एटीपी में मतलब एक ही हमारा कहाँ गया ये कहाँ गया हाँ छुपा बैठा है क्लोरोप्लास्ट को याद रखना कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है आपका वही सोलर एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है समझ में आई बात तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही मानना माइटोकॉन्ड्रिया टी का होता है पर वो क्लो सौर ऊर्जा से उसका कोई संबंध नहीं तो तुम्हारे शरीर के अंदर है तो सौर ऊर्जा से इनका भैया का कोई संबंध नहीं चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे यह देखो कौन सा फूफा वाला सवाल आया है एस यूनिट पूछ लिया मैंने जितना एस यूनिट वाला सवाल होता है एसआई यूनिट वाला सवाल सारा फूफा वाला सवाल होता है फूफा और बुआ वही सवाल है यहाँ पे अब पकड़ो जरा सा फूफा पूछा है बुआ का खोज तलाश करना है तुम्हें ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस की बात कर रहा है तो लेंस की शक्ति की अगर बात करें तो इसकी इकाई पूछी गई है बताइए यहाँ पर क्या होगा हाँ अब देखो फिर वही बात कि सर डायो डायोप्टर हो सकता है वाट कैंडला या फिर इसमें से एक से ज़्यादा भाई हमारे अगर हम देखो अगर हम कहेंगे तुमसे तो तुम बुरा मान जाओगे हैं तो कैंडला किसके इंटेंसिटी ऑफ लेंस होता है ना या इंटेंसिटी ऑफ लेंस होता है इसको तुम याद रखना कि यह इंटेंसिटी ऑफ लेंस होता है वाट जो होता है यह पावर का एस यूनिट होता है ये ये जो बुआ है पावर का जो है आपका ये फूफा पावर है बुआ वाट हो जाता है इसका फूफा लेंस हो जा रहा है और पूछ रहा है बुआ कौन है तुम बताओगे कि सर बुआ डायोप्टर को कहेंगे इसका जो एस यूनिट होता है इसका जो बुआ कहलाएगा डायोप्टर कहलाएगा ठीक है ए ब्लॉक कर दिया जाए बिल्कुल ब्लॉक करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज डज नॉट हैव यूनिट्स पहले देखो कि जूनियर जी एक आता था समझो एक जूनियर जी आता था जैसे ही हाथ ऊपर करता था पचाक से एकदम स्पीड में निकल जाता कि मैं हूं जूनियर जी तो वही तुम्हारा भी हाल है कि तुम जूनियर जी तो हो पर उड़ नहीं पा रहे हो बस अभी उड़ना सीखो ऐसे जूनियर जीवन के इधर सवाल का जवाब देखो आज तक तो वैसे देखा जाए तो हम लोग अगर बात करें तो हम तो उड़ जाते कभी कदम कभी कदम नींद में हम छलांग लगा देते हैं जूनियर जी वाला वैसे तुम्हारा सवाल है यहाँ पर पूछ लिया इस्ट्रेन बता देना क्या बता दोगे पहचाता इस यूनिट नहीं है ना क्वांटिटी स्ट्रेन है नहीं है भैया स्ट्रेन नहीं होता है ठीक है फोर्स का न्यू फोर्स का न्यूटन हो जाता है स्ट्रेस का अगर बात करें तो पास्कल हो जाता है बाकी अगर आपसे कुछ और प्रेशर पूछ ले तो भी पास्कल बता देना ठीक है अगला देखो द दे स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज स्टडी ऑफ फ्लावर की बात कर रहा है बताइए इसे क्या कहा जाएगा स्टडी ऑफ हमने टारगेट दिया था पांच का देख रहे हैं आज तुम्हारे अंदर कितना दम है तुम्हारे अंदर कितना दम है ये बात हम तुमसे पूछ रहे हैं समझ रहे हो तुमसे देख रहे हैं कितना दम है तुम्हारे पास बस अगर ये दम लगा सकते हो तो लगा सकते हो पर बाकी तुम अभी नहीं समझ रहे हो समझोगे थोड़ी जल्दी समझ लोगे फ्रेनोलॉजी एंथोलॉजी एग्रोस्टो या फिर पैलिनोलॉजी तो देखो सवाल का जवाब जो कहा जाता है एंथोलॉजी पे होता है ऑप्शन नंबर बी कल तुमने कसम खाई थी कि गुरुजी हम 600, 700, 800 लेके चले आएंगे और आज तुम 500 में लाने में जो है चलो कोई बात नहीं हमें तकलीफ नहीं है देखो एंथोलॉजी का मतलब होता है जब हम फूलों का अध्ययन करते हैं जो कि तुम्हें हमेशा पसंद आता है एग्रोस्टोलॉजी का मतलब होता है जब हम घासों का अध्ययन करते हैं घास होता है घास ग्रास जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इंग्लिश में इसे ग्रास भी बोलते हैं इसको ग्रास भी लिख सकते हो स्टडी ऑफ ग्रास भी लिख सकते हो ठीक है चलो भैया अगला तो पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड अपनी खून की बात आ रही अब यहां पे खून की चर्चा होगी खून 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 अब के सवाल का कम कम से कम की चिंता तुम्हें भी है हमें भी है अपने खून के बारे में बताइए कि, कि किसका पीएच मान कितना होता है देखिए सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट फोर सेवन पॉइंट एट या सिक्स पॉइंट सिक्स दे रखा है जल्दी बताइएगा बस पंद्रह बच्चे की और कमी लग रही हमें पंद्रह बच्चे की कमी और लग रही है पंद्रह बच्चों की कमी थोड़ी सी लग रही है इसको आगे लेके चलो जरा सा पंद्रह बच्चे कम पढ़ रहे हैं पंद्रह को पूरा करो फिर इसका जवाब भी हम देंगे सर पेलमोलॉजी बिल्कुल सही बोला आपने ह्यूमन ब्लड की बात हो रही है पैलमोलॉजी नहीं लिखा है ह्यूमन ब्लड की बात हो रही है तो सेवन पॉइंट फोर कुछ लोग बता रहे हैं जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा सेवन पॉइंट फोर होता है क्या होता है पाँच सौ तेरह पाँच सौ पचास हमने फिर गलत सुन लिया तुम लोगों ने गलत सुन लिया दस बच्चे की कमी फिर से लग गई कमी हमें हमें लगा कि दस बच्चों की कमी हो रही थी और हो गई कमी ना इसको दस सौ और बढ़ाओ दस बच्चों की कमी हमें लग रही है अभी रिकॉर्ड टूटा नहीं है रिकॉर्ड तोड़ना है आज तुम्हें सेवन पॉइंट फोर याद रखोगे आगे चलो बढ़िया सा द स्केप वाला सिटी ऑफ अर्थ कह रहा है पृथ्वी का पलायन वेग पूछ रहा है बताइए जरा कितना होगा तो पृथ्वी का पलायन वेग हमेशा याद रखना कि ग्यारह दशमलव दो किलोमीटर पर सेकेंड होता है कितना होता है ग्यारह दो किलोमीटर पर सेकेंड होता है ठीक है अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग पेर इसमें भी देखो शादी करवानी है जोड़ी बनवानी है कि जिसकी जोड़ी गलत है उसको हटाओ यहाँ से जिसका तलाक हो गया है उसको हटाने की बात कर रहा है अब देखो पहचानो अगर हम तुमसे कहें एनिमोमीटर तो बिल्कुल सही इसकी शादी विंड स्पीड से हो गई बिल्कुल सही कह रहा है एम मीटर की भी बात करें तो बिल्कुल सही कह रहा था इसमें कोई दिक्कत नहीं थी पर जब टैकोमीटर की बात करते हैं तो इसकी शादी गलत हो गई ये प्रेशर से नहीं मतलब रखता ये गलत है ये बिल्कुल गलत है तो ऑप्शन नंबर सी जरा सा पकड़ लें पहले ही चोरी पकड़ ली गई इसकी इसकी चोरी पहले ही पकड़ ली गई क्यों क्योंकि यह जल्दी मेजर करने वाला टैकोमीटर क्विक मेजर करता है क्विक मेजर का मतलब जल्दी से जब मेजर्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप आप उठा लो तुरंत उसकी बात कर रहा है तो टैक्योमीटर वहां इस्तेमाल होता है च वॉफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल की बात कर रहा है चलिए बताइए जरा सा यहां पर कह रहा है कि अल्कोहल जल मिश्रण से पानी को अलग करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है हम कह रहे थे कि दस बच्चे बढ़ाना है तुम लोग फिर से वही गलती कर रहे हो दस बच्चे को बढ़ाने के लिए तुम्हें टारगेट दिया है कम से कम अब पाँच का मिशन लेट कर दिया तुम सबने पाँच सौ कवर करो आप बढ़िया सा बढ़ा दो तो एक बार बीस बीस तीस बच्चे तो ला ही सकते हो इतना अलग हो कि लाई कितना कम क्यों है एक बार बताइए लाइक कितना कम क्यों है हमारी क्लास में लाइव इतने हैं लाइक कम क्यों है यही तुम लोग गलती करते हो फिर कहते हो कि गुरु अब नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे काम तुम्हारा है तो हम नहीं बोलेंगे लाइक तुम्हारा काम है ना बोलो भैया इसका जवाब दो कि जब पानी में अल्कोहल मिक्सचर करके अलग होने की बात करा तो उसे डिस्टिलेशन कह है देते दे हैं उसको कैसे अलग करोगे डिस्टिलेशन से बहुत जल्दी अलग कर सकते हो ठीक है अगला सवाल विथ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विथ आयरन टू मेक रस्ट फ्री कहने का मतलब है किस धातु का उपयोग लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए किया जाता है तो लोहे को जंग मुक्त अगर बनाना है चाहते हो कि जंग कभी ना लगे जो कि तुम्हारे दिमाग में कभी कदार लग जाता है तुम्हारे दिमाग में कभी कदम लग जाता पर तुम फिर सही हो जाते हो दो मिनट के अंदर जैसे तुम्हें डांटता है कोई अगर बोल देता है तो तुम्हें बुरा लगता है और फिर तुम एकदम एक्टिव हो जाते हो कि नहीं गुरु एकदम सही कह रहे हैं तो यहां पर एल्यूमिनियम भी होगा कार्बन भी होगा क्रोमियम भी होगा या टीन होगा तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी को उठाना इसको जरा सा याद रखना क्रोमियम से कभी ज्यादा जंग नहीं लगेगा आपके एल्युमिन पे मेटल धातु की बात कर रस्ट फ्री कर देता जंग नहीं लगने देता जल्दी ठीक है चलिए अगला देखिए द वैलासिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम कहने का मतलब ध्वनि का वेग बहुत न्यूनतम माना जाता है क्यों न्यूनतम होता है बताइए जल्दा जल्दी से बताइए तो याद रखिए कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा जो कम होता है यानी न्यूनतम होता है वो किसमें होता है वैक्यूम में होता है सबसे ज्यादा किसमें कम होता है तो आपका वैक्यूम में होता है ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा याद रखना अगला सवाल द टाइम पीरियड ऑफ अ पेट्रोलियम यानी पेंडुलम के सॉरी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पेंडुलम की जो समय विधि है यह किस पर निर्भर करती है बताइए जल्दी से यह किस पर निर्भर, कर, निर्भर करती है जल्दी से बताइए टाइम पूछ रहा है भाई किस पर निर्भर करती है क्या जवाब देंगे तो याद रखिए जब हम निर्भर की, निर्भर की बात करते हैं तो लेंथ पर निर्भर करती है डिपेंड ऑन इट्स लेंथ ऑप्शन नंबर ए याद रखना अगला सवाल देखिए मेलबोमियम ग्लैंड कहां स्थित होता है मेलबोमियम ग्लैंड जो है यह आपको कहा यह ग्रंथी कहा दिखाई देगा कान में मतलब कान में नाक में आँख में कहाँ दिखाई देगा तो आप ये बात याद रखना कि जब ये ग्रंथि पूछ ली जाए तो हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छे जिस, जिस से हंसते हुए जिससे जिससे तुम इस ग्रंथि को देख सको भाई आँख कैसे दिख जाएगी ऑप्शन नंबर डी होगा क्या हो जाएगा डी हो जाता है ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाई मलेरिया कौन सी जो है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग होता है इसमें से कौन सा अंग है जो मलेरिया से ज़्यादा प्रभावित होता है जल्दी से बताइएगा क्या होगा यहाँ पे एक बार सवाल का जवाब दे दीजिए सभी के सभी तो याद रखना कि सवाल का जवाब स्प्लिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही लपेट के चलना लपेट लो इसको पूरा लपेट सकते हो ना तो लपेट लो ऑप्शन नंबर डी ही माना जाता है है, आगे देखो अगला सवाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर डिटेक्टिंग लाइट झूठ पकड़ने वाली जो मशीन होती है जो तुम हमेशा जो कभी कदार है कभी कदम पकड़ जाते हो इस चक्कर में तो झूठ का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है पॉलीग्राफ पायरोमीटर गायरोस्कोप या कीमोग्राफ जल्दी से बताइए यहां पर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा पॉलीग्राफ याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अगला सवाल देखिएगा अ मैन हु डज नॉट नो वेन टू स्टॉप इटिंग इज सफरिंग फ्रॉम एक आदमी जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है वह पीड़ित है अच्छा एक ऐसा आदमी जिसको पता ही नहीं है कि खाना कब खाना है और खाना कितना देर तक खाना है वो खाते ही रहता है उसको भूख लगती ही रहती है तो बुलिमिया डायबिटीज़ एनारिक्सिया या हाइपर एसिडिटी अब ये होगा तो ये तो खा ही नहीं सकता इससे उसका संबंध ही नहीं है ये हो जाएगा तब तो, तो खाने खाने के लिए बैठ भी नहीं पाएगा तो बुलिमिया याद रखना तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद हो जाएगा ठीक है सभी लोग याद रखेंगे चलिए तो देखिए ये था आज की क्लास उम्मीद है आप सबको बहुत बढ़िया लगा होगा ये रहा आपका विनायक बैच तीन अक्टूबर से यह बैच शुरू होने वाला है जो चाहता है कि तीन अक्टूबर से आकर हमारे साथ पेड बैच में क्लास लेके पढ़े जिसको नोट्स भी दिया जाएगा साइंस का जी के मैथ सब क्लास मिलेगी और कितने में मिलेगी कितना रुपया लगेगा कितना कैसे क्या करना सुन लो एप्लीकेशन पर जाकर बिहार एस जो है बिहार ऑल स्टेट में जाकर बिहार आप जैसे डालोगे बिहार आपका ये विनायक बैच मिल जाएगा एसएससी वाला तो वहां पर जाकर कूपन कोड याद रखना जब बाई नाउ करते हो तो कूपन कोड लगा देना क्या लगाओगे वाई एट थ्री एट अब कहोगे सर मैं ये क्यों लगाऊंगा वाई एट थ्री एट ये वाई एट थ्री एट जब कोड लगाओगे तो ये हमारे बस में आ जाओगे मतलब हमारे छत्र छाया में आ जाओगे तो हमारे छत्र छाया में अगर चाहते हो तो आ सकते हो बाकी तुम्हारी इच्छा है लेना चाहो तो ले लो बाकी तुम खुद होशियार आपस में बने हुए भैया सब लोग भैया होशियार है सब अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी ठीक है तो जो कि तुम ज्ञानी तो हो ही मानना पड़ता है तो यह कूपन कोड लगाकर मात्र नौ सौ निन्यानवे रुपए में यानी ठीक है मतलब अब तो नौ सौ इक्यानवे हो गया है तो इसमें जाके ले सकते हो तीन अक्टूबर से बैच शुरू होने के ठीक हो। है बाकी आप सब जान ले इस कूपन कोड के थ्रू आपको सारे सब्जेक्ट के क्लास दिए जाएंगे तीन अक्टूबर से जल्दी से एडमिशन लेना चाहो तो ले सकते हो साथ साथ याद रखना लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत खुश रहिए मस्त रहिए सभी लोग थैंक यू जय हिंद